इंसुलिन की लेवल नॉर्मल होती है। हमारे जिसमें नॉर्मल इंसुलिन की लेवल 2.5 से 2.5 तक है, इसमें इंसुलिन की लेवल नॉर्मल होती है, लेकिन इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाता है, इसको हम टाइप 2। 14 नवंबर 2022 को हमने वर्ल्ड डायबिटीज डे मेडिकल कॉलेज रजौरी में मनाया, जिसमें लोगों को शुगर के बारे में, डायबिटीज के बारे में अवेयर किया गया कि शुगर होती कैसी है, उसको सिम्टम्स क्या हैं, उसके क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं शुगर के, और कैसे उसको ट्रीट करना है और कैसे उसको प्रिवेंट करना है। ये हमने पूरा एक छोटा सा फंक्शन रखा था कि जिसमें ये पब्लिक को अवेयर किया जाए, कि पब्लिक को इनके पता चले कि डायबिटीज कब होने के, जो इनके अपने ब्लड शुगर टेस्ट कब करवाने और कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं, इसके लिए पब्लिक को अवेयरनेस के लिए हमने इधर एक फंक्शन छोटा सा रखा था जिसमें पब्लिक को अवेयर, और इसके साथ में हमने कुछ ब्लड शुगर फास्टिंग में फ्री में हम हर एक का जो भी इधर आए थे उनकी स्क्रीनिंग की, डायबिटीज की स्क्रीनिंग की थी। तो आज के दिन लोगों को क्या मैसेज देंगे कि ऐसी बीमारी को रोकने के लिए किन किन चीज़ों का परहेज करना है? सबसे पहले इसमें जो ऐसी पहले तो किसी को ऐसी बीमारी पहले इसमें यह है कि आपको पहले डिटेक्ट करना है कि शुगर हुई है कि नहीं, उसके लिए आपको दो किस्म के ब्लड टेस्ट करने हैं। एक तो फास्टिंग में ब्लड शुगर करें, फास्टिंग वो होती है जब 8 घंटे से कुछ ना खाए और सुबह के वक्त जो ब्लड शुगर करते हैं उसको फास्टिंग ब्लड शुगर, वो जब 110 से वो होगा 2 टाइम होगा तो अब उसको हम डायबिटीज लेवल करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे एक होता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, उस जो 3 महीने का शुगर बताती है वो 5.7 से कम होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे होती है एक जिनमें शुगर होने के जैसे जो वेट गेन है या ओबीस हैं जिनमें शुगर होने के चांस है, उनमें हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं जिसमें 75 ग्लूकोज देख के उसके बाद शुगर डायग्नोज करते हैं, उसमें शुगर 200 से ऊपर होना चाहिए तब शुगर। उसके बाद जिसमें शुगर हो गए इसमें 2 किस्म के होते हैं, एक कुछ चीज़ें होती है जिनको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, जैसे अगर किसी के खानदान में किसी को शुगर है वो हमसे कंट्रोल नहीं हो सकता, या जो प्रेगनेंसी में जो शुगर आती है वो हमें कंट्रोल नहीं हो सकती, या कुछ प्री डायबिटिक कंडीशन होती है वो हमें कंट्रोल ये तो, लेकिन कुछ चीज़ें जो कंट्रोल होती है, एक होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल वो है जो आदमी ज़्यादा चलते नहीं है, ज़्यादा गाड़ियों में सफ़र करते हैं, ज़्यादा बैठे रहते हैं, खाना उनका नॉर्मल रहता है लेकिन इसको खाने को यूज़ नहीं करते, उसमें यह है कि एटलीस्ट 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक होना चाहिए सुबह के वक्त, जिसकी वजह से उनका ये लाइफस्टाइल थोड़ा सा मॉडिफाई हो। उसके बाद इसमें वेट गेन नहीं होना चाहिए, वेट गेन स्पेशली जो वो फैट जो पेट पे ऊपर आती है फैट वो ज़्यादा इसमें है, जिसको वेस्ट टू हिप रेशियो इसमें ज़्यादा अल्टर होती है, ताकि वो ना हो ताकि उनका वेट ना बढ़े और उससे उसका कंट्रोल है। फिर उसके बाद स्मोकिंग बोलते हैं कि इसमें 40% ज़्यादा चांस हो जाते हैं डायबिटीज़ पर जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग को छोड़नी, अल्कोहल यूज़ को छोड़ना, और जिसमें हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो इसके साथ शुगर के कम होने के चांस हैं। फिर इसमें हमारा टारगेट होता है, जब भी किसी को शुगर हमारा टारगेट होता है इसका कि ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जो HbA1c है वो 5.7 से कम हो। अगर 5.7 से बिना किसी मेडिसिन से बिना किसी एक्सरसाइज से कंट्रोल हो जाते हैं तब ये डायबिटीज तो हम बोलते हैं ये कंट्रोल हो गई है, एटलीस्ट 1 साल तक उसकी 5.7 से कम रहनी चाहिए। अगर वो मेडिसिन से है तो मेडिसिन उसको अपने टाइम के साथ, जैसे उसको डॉक्टर बोलते हैं अपने टाइम के साथ टाइम के वक्त खाएंगे ताकि उसका शुगर जो है वो विद नॉर्मल रहे।